दोस्तों आज 19 जनवरी 2019 है और कल 20 जनवरी 2019 है और कल 20 जनवरी 2019 के तहत भारत में 17 नए नियम लागू होने वाले हैं। आपको बता दें ये सभी नियम आपके बहुत ही ज्यादा काम के हैं। आपको बता दें इन सभी नियम से आपकी जिंदगी पर सीधे असर पड़ेगा। अगर आपको इन नियम के बारे में पता नहीं होगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़े या आपको किसी योजना का लाभ ना मिले, तो इसीलिए सभी नियम को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से आखिर तक देख लें। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के पहले नियम की तरफ। साथ ही हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा दें। ऐसा करने से आप रोजाना की सरकारी खबरों से अपडेट रहेंगे। पहला नियम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक नहीं किया है पैन कार्ड से जुड़ा ये काम तो जल्दी निपटा लें वरना झेलना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। जिन भी लोगों के पास पैन कार्ड है उन लोगों को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, यानी जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा 31 मार्च 2019 के बाद उन लोगों का पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो लिंक कर लें। पैन कार्ड को आधार कार्ड से अगर आपको लिंक नहीं करने आता है तो हम आपको एक वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाकर देख सकते हैं और अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इनके बच्चों को मिलेगी ये सुविधा। जी हां दोस्तों, रेल कर्मचारियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे के नए निर्देशों के अनुसार 33 वर्ष तक किसी भी रेल कर्मचारी के बच्चों को पास की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें अब तक ये सुविधा सिर्फ 21 साल के आयु तक मिलती थी। साथ ही आपको बता दें रेल कर्मचारी की जो बेटियां होंगी उनको ये सुविधा तब तक मिलती रहेगी पास की जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। शादी होने के बाद उनकी ये सुविधा खत्म हो जाएगी। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण। जी हां दोस्तों, आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार मोदी कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें आरक्षण का कोटा अभी 49.5% है, इसे बढ़ाकर मोदी सरकार 59.5% करने वाली है। जिन भी लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम है उन सभी को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही इन सभी को सरकार की अच्छी अच्छी योजनाओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों आज का अगला नियम बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और आपका शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं आज से नहीं चलेगी आनंद विहार कटरा एक्सप्रेस। सप्ताह में 2 दिन चलती थी ये एसी स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, उत्तर रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से श्री माता वैष्णो देवी स्पेशल एसी ट्रेन का परिचालन आज 7 जनवरी से बंद कर दिया है। ट्रेन हर सप्ताह में 2 दिन चलती थी। माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू की गई थी। उत्तर रेलवे की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार से अब ये ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक में आपकी शिकायत ना सुनी जाए तो उठाएं ये कदम। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आजकल बैंक की सर्विस सभी लोगों की जरूरत बन चुका है। सरकार ने छोटे से लेकर बड़े लोगों तक का खाता खुलवा दिया है। इसी की वजह से बैंकों में अच्छे काम भी होते हैं तो कई बार उसमें लापरवाहियां भी देखी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टालमटोल करते हैं। तो आपको बता दें अगर आपका कोई काम बैंक में नहीं होता है तो आप उसकी शिकायत सीधे बैंकिंग ऑब्जर्वमैन में कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी और आपके मामले को हल किया जाएगा। आप ऑनलाइन शिकायत करने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि IRCTC हर महीने अब 6 की जगह बुक कर सकेंगे 12 टिकट। बस करना होगा ये काम, आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल दलालों पर लगाम लगाने के लिए IRCTC अपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल से एक ID 1 महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की व्यवस्था रखी है, लेकिन यात्री इसी पोर्टल से एक ID से अधिकतम 12 टिकट अब बुक कर सकते हैं। यानी पहले आप सिर्फ 1 महीने में 6 टिकट बुक कर सकते थे लेकिन अब 1 महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए IRCTC की वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना होगा अनिवार्य। सरकार ला रही है नया कानून। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से आधार कार्ड को लेकर और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें सरकार जल्दी एक नया कानून लाने वाली है जिसके तहत आपको अब अपना आधार कार्ड अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करवाना होगा। आपको बता दें ये बात खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने एक कार्यक्रम में कही है। जल्दी इस कानून को लागू किया जाएगा और इसका असर पूरे भारत के नागरिकों पर होगा। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं
के 27 राज्यों में होगी अब NCERT की किताबों से पढ़ाई। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से देश भर के 27 राज्यों में NCERT की किताबों से पढ़ाई होगी। राज्यों ने NCERT की किताबों से पढ़ाई करवाने के लिए पुस्तकों की मांग की है। इसके लिए NCERT ने 2019-20 सत्र के लिए 8 से 10 करोड़ पुस्तक प्रकाशित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, ये आंकड़ा 2018 में सिर्फ 4.5 करोड़ था, अब ये आंकड़ा करीबन 8 से 10 करोड़ हो गया है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब अस्पतालों का भुगतान भी बिना ब्याज की EMI से होगा। लेट्स MD ने लॉन्च किया मेडिकल पेमेंट कार्ड। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी किसी को भी पड़ जाती है, कई बार लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं मिल पाते। आपको बता दें, इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसा कार्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम मेडिकल कार्ड है। कार्ड की मदद से बीमारों को बिल्कुल आसानी से लोन मिल जाएगा और वो लोग EMI के जरिए अपने इलाज में होने वाले खर्च को चुका सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, जो EMI होगी उन पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि अभी आपके सामने है। और दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, देश में 300 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान, नहीं बढ़ेंगे दाम। जी हाँ दोस्तों, आम जनता के लिए बड़ी राहत की बात आई है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि इस साल में चीनी का दाम बढ़ जाएगा, लेकिन आपको बता दें फिर से एक बड़ी खबर आई है। खबरों के मुताबिक उत्पादन का अनुमान बढ़ गया है, अब इस साल में चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेफेड और IOC की बड़ी स्कीम, अब कूड़ा बेचकर कर सकेंगे कमाई, प्रति किलो मिलेंगे रुपए। जी हाँ दोस्तों, सरकारी संस्था की ओर से एक बड़ी पहल की जा रही है। इसके तहत पराली सब्जियों की मंडी से निकलने वाले कूड़े, गन्ने की खोई, अन्य तरह के जो भी कूड़े होते हैं, उन कूड़ों से अब बायो CNG गैस तैयार की जाएगी। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी पहुंचना होगा स्टेशन, एयरपोर्ट जैसा होगा रेलवे का सुरक्षा इंतजाम। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर अब रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसा सेटअप बनाने की तैयारी की है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेलगाड़ी ना छूटे तो आपको अब अपने स्टेशन पर 20 मिनट पहले पहुंचना होगा, क्योंकि ट्रेन का जो समय होगा उससे 20 मिनट पहले ट्रेन में एंट्री बंद कर दी जाएगी। अगर आप 20 मिनट पहले नहीं पहुंचेंगे समय से तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। आपको बता दें, प्रयागराज में इसका प्रयोग शुरू भी हो गया है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 गुना तेज हो जाएगा आपका इंटरनेट, सरकार उठाने जा रही है ये कदम। जी हाँ, देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रयोग करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आपको किसी ऑनलाइन पेज को क्लिक करने के बाद उसके खुलने का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार न्यूनतम ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड को 512 किलोबाइट प्रति सेकंड से बढ़ाकर 2 मेगाबाइट प्रति सेकंड करने जा रही है। आपको बता दें, इससे इंटरनेट की स्पीड काफी तेज हो जाएगी। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मोबाइल ऑपरेटर बदलना हुआ आसान, खर्च करने होंगे केवल इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी टेलीकॉम कंपनी का सिम चलाते हैं और आपको उसकी सर्विस अच्छी नहीं लग रही है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो अब आपको इसके लिए न तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, न तो ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें, पहले पोर्ट कराने में 15 दिन का समय लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। अगर आप किसी टेलीकॉम कंपनी से दूसरी टेलीकॉम कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 4 रुपए देना होगा। साथ ही आपको इसके लिए सिर्फ 4 रुपए लगेंगे, यानी 4 दिन में 4 रुपए लगाकर आप अपने टेलीकॉम कंपनी को बदल सकते हैं। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईरान को तेल के बदले रुपए नहीं, बासमती चावल देगा भारत। जी हाँ दोस्तों, अभी तक भारत ईरान से तेल लेने के लिए डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में पैसे दे रहा था, लेकिन अब भारत तेल के बदले में ईरान को बासमती चावल देगा, क्योंकि ईरान में खाद की दिक्कत आ गई है। इसीलिए भारत ईरान को तेल के बदले में चावल देगा। तो हो सकता है कि चावल के बदले में तेल लेने से तेल के दामों में कुछ कमी आए और इससे आम जनता का फायदा हो। दोस्तों, अगला नियम बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि चांद का साइज हमारे पृथ्वी से बड़ा है या छोटा है, तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, 2019 के बजट में बढ़ सकता है इनकम टैक्स छूट का दायरा, सरकार बढ़ा सकती है खर्च करने की क्षमता। जी हां दोस्तों, ये साल लोकसभा का चुनाव आने वाला है, ऐसे में
केंद्र सरकार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आम बजट में आयकर छूट की सीमा को बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये अंतिम बजट होगा। आपको बता दें अभी तक जो लोग सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं उन लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन सरकार इस दायरे को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर सकती है। यानी अगर कोई 3 लाख रुपए तक कमाएगा तो उसे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन अभी ये सीमा सिर्फ 2.5 लाख रुपए है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि नए साल का तोहफा पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा कराते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। अगर आप 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपको 7% की दर से रिटर्न मिलेगा। इससे पहले इसकी कीमत 6.90 रुपए थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।